साथ देखते हुए आए हैं, एक मैसेज आप जो आए हैं बहुत बड़ा पेस है और बहुत सारे लोग आपके साथ हैं, हम उम्मीद करेंगे कि आप यहां से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। से बात कर रहे थे, आगे भी हम लोग बात करेंगे। हम लोग आप लोग जो इतना संख्या में आए पहाड़ को कुछ कर रहे हैं, ये जो इसका थोड़ा बताइए। हम लोग तो इतना संख्या में जो अब यहाँ पहुंचे हैं, खास करके ये जो मरंगगुरु पहाड़ जो है, लुकुगुरु हमारा प्रश्नाथ पहाड़, ये हमारा सदियों हमारा आदिवासी संथालियों का, विश्व के संथालों का ये धार्मिक स्थल है। हाँ, ये धर्म स्थल में जैन धर्मियों का अतिक्रमण के खिलाफ हम लोग एकजुट हुए हैं। जैन लोग बोल रहे हैं कि हम लोग आदिवासी समाज के साथ मिल के रहेंगे। हम लोग के साथ मिल के क्या हो रहेंगे, खुद पूरा पहाड़ कब्जा कर रहे हैं। हम लोग साथ मिल के क्या रहेंगे, पहाड़ को कब्जा कर रहे हैं, पहाड़ को कब्जा कर रहे हैं, इसलिए उस कब्जियों के खिलाफ हम लोग आज वो एकजुट होने का आज हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोगों का मांग क्या है सरकार से? हमारो सरकार से यही मांग है कि पूरे मरंगगुरु पहाड़ को पूरे मरंगगुरु पहाड़ को जैन धर्मी छोड़ दे, तब तक जब तक पूरे पहाड़ को छोड़ने बोलेंगे। पूरा पहाड़ संथालियों का ये धार्मिक स्थल है। आप लोगों का तो यहाँ पे आप लोगों का धार्मिक स्थल, वो तो यहाँ तो सिर्फ उनका हम लोग स्थापित किया है, लेकिन पूरा मरंगगुरु पहाड़ आदिवासियों का है। बहुत ही बड़ा मांग है आदिवासियों का, पूरा पहाड़ आदिवासियों का है, इस प्रकार का बात कर रहे हैं आप ये क्या मांग है, आप क्या लिखे हैं इसमें? मरंगगुरु और क्या झारखंडियों का पहचान, ये अपना पूरा सेट को मरंगगुरु झारखंडियों का पहचान, और पीछे क्या लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ झारखंडी, क्या लिखा हुआ भाई, एकल एकता, झारखंड एकता जिंदाबाद, पेटवार बोकारो से है ये भाई साहब, आप क्या संदेश ये बता रहे हैं यहाँ पर? हम बोले कि हम पहाड़ को छोड़ेंगे नहीं, चाहे जो जान भी देना पड़े तो हम जान भी देंगे, लेकिन पहाड़ को हम नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा पुरखों ने देके गया है यार, रहेगा मेरा। तो लोग तो जैन लोग बोल रहे हैं कि हम लोग इसमें सुख सुलाई करके आप लोगों का अपना पूजा कीजिए, हम लोग अपना पूजा करेंगे। पूजा कीजिएगा तो इतना नहीं कि पूरा पहाड़ को देख लीजिएगा, हम दिए आपको बैठने के लिए, आप पूरा घर को कैप्चर करके रखिएगा तो हम बर्दाश्त झारखंड ही नहीं करेगा। और समाज को क्या बोलना चाहते हैं? समाज को ये बोलना चाहते हैं कि जल्द से जल्द एकजुटता होकर यहाँ का जो भी अधिग्रहण हुआ है जमीन, उसको खाली किया जाए और पहाड़ को खाली किया जाए। और हम लोग जिस सबसे बात कर रहे हैं कि आगे भी लोगों से बात करेंगे, है ना, आगे भी बात करेंगे, तो वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। अभी हमारे यानी कि आदिवासी समाज का ये देखा जाए तो स्टार है एल्बम में, आप लोग हमेशा देखते हुए आए हैं, एक मैसेज आप जो आए हैं बहुत बड़ा पेस है और बहुत सारे लोग आपके साथ हैं, हम उम्मीद करेंगे कि आप यहां से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। देखिए, जनता की आवाज जो न्यूज है उसके दर्शकों को मेरी तरफ से जोहार और बहुत बहुत धन्यवाद, जनता की आवाज जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम आदिवासी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि सदियों से चला आ रहा है, हम प्राकृतिक पूजक हैं, लेकिन उसी प्रकृति को धीरे धीरे से छेड़छाड़ करते हुए आज हम लोगों की ये दशा हो गई है कि हमें प्रकृति से भी हाथ धोना पड़ रहा है। तो मैं अभी भी किसी धर्म के खिलाफ बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन आप अगर सोचेंगे तो किसी भी धर्म को छेड़छाड़ नहीं किया जाता है जितना कि हम आदिवासियों के धर्मों को छेड़छाड़ किया जा रहा है। अगर आप शुरू से ही देखेंगे, कहीं अगर पर्वत होते हैं तो उनका एक छोटा सा स्ट्रक्चर ढांचा बनाया जाता है, और आने वाला कल में ऐसा होता है कि वो पहाड़ वो झरना उनका हो जाता है। और चूंकि हम प्रकृति के पूजक हैं, शुरुआत से ही हमारे पर्वत हमारे पेड़ पौधे वन यही हमारे देवता होते हैं, और आज हमारी देवता छिन जा रही है जिसे हम मरंगगुरु के नाम से जानते हैं। और मरंगगुरु जो है हमारे आस्था की सबसे बड़ी देवता है, सबसे बड़ा देवता है, और वही आज हमें ऐसा लग रहा है कि वो हमसे छिन जा रहे हैं। तो आदिवासियों में थोड़ा बहुत ज़्यादा दर्द का माहौल बना हुआ है, बहुत ज़्यादा डरे सहमे हुए हैं। भारत सरकार राज्य सरकार उन दोनों से हमें इस तरह की उम्मीद नहीं थी, और पहले से ही हम लुटते आए हैं और अब भी लुटते जा रहे हैं। मुझे लगता है सरकार को इस तरफ ध्यान देनी चाहिए, और अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो आज की जो उग्र रैली है ये तो छोटी सी नमूना है ये, तो आने वाला कल में हम इससे भी बृहद रैली बेहद लोगों को जगाएंगे, और
आगे बढ़ाकर हमारे समाज को पहचाने का काम करेंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा बात किए, इनका परिचय लेने का मोहताज नहीं है, हमारे हीरो स्टार है आदिवासी समाज के, आगे भी हम लोगों से बात करेंगे। के पास गए, वहाँ के मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी उस समय थे, उन लोग उनके पास गए, आपका क्या बोलेंगे, विनोद किसको, फागु बेचरा, दर दर भटका वहाँ का लोग, लेकिन उन लोगों का बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। हमारे प्रकाश मांझी, हम लोगों ने कहा कि अगर एक भी आदिवासी को यहाँ से बेदखल किया गया, जब यहाँ के आदिवासियों के लिए, यहाँ के मूलवासियों के लिए केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है, उस कानून के तहत यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासियों को उसका हक मिलना चाहिए। हम लोगों ने फॉरेस्ट राइट एक्ट अधिनियम 2006 के तहत सामुदायिक दावा करके अनुमंडल पदाधिकारी के टेबल में रामगढ़ में रखे, अनुमंडल पदाधिकारी भागना शुरू किए, वहां के आदिवासियों ने कहा कि आज कानून के डर से यहां के आईएएस अफसर भी भागना शुरू कर रहे हैं। हम लोगों को कानून के पायदान पर आना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने हमारा जो ये धर्म स्थल है, हमारा जो यहाँ रेवन्यू विलेज गांव है, इस ग्राम सभा के लोग वनाधिकार कानून 2006 के तहत सामुदायिक दावा करें, उसके बाद हम लोग यहाँ बैरिगेट लगाने का काम यहाँ का आदिवासी मूलवासी करेगा। वो हमारे यहाँ के बैरिगेट लगाने वाला कौन होता है, हम यहाँ का मालिक है, यहाँ का आदिवासी यहाँ का मालिक है, यहाँ का मूलवासी यहाँ का मालिक है। चलिए चलिए, राजेश दाम बता रहे कि यहाँ का आदिवासी यहाँ का मालिक है, यहाँ का मूलवासी यहाँ का मालिक है। आप समेद शिखर सम्मेलन में जो नारा लगाया जा रहा था, खास करके बिरसा जी इधर है, हमारे हाईकोर्ट अधिवक्ता बिरसा जी इधर है, बिरसा जी बताइए, जो नारा लगाया जा रहा था कि कोई भी अगर प्रश्नार्थ की तरफ देखेगा तो उनका आंख नोच लेंगे, अगर कोई हाथ बढ़ाएगा तो उसका हाथ तोड़ देंगे, बताइए ये जो अहिंसा परमो धर्म या अहिंसा परम धर्म जो कही जाती है बात, क्या ये नारा उन लोगों के लिए सही था? ये एक नारा है लोग का, लोगों को चूतिया बनाने का। ये लोग अहिंसा का पुजारी कहीं नहीं है। हम लोग जैसा देख रहे हैं, आज हम लोग लाखों लोग आए हुए यहाँ पर मारंगबुरु में, और ये मारंगबुरु नाम है, ये सोमेद शेखर किसका नाम है भाई झारखंड में, ऐसा किसका नाम होता है झारखंड में सोमेद शेखर? सम्मेलन था, लेकिन सम्मेलन में जो है कि जैन का रक्षा दल के द्वारा झारखंड लगाया जा रहा है। झारखंड में रहना है तो झारखंडी नाम रखना होगा। आप किसी का भी नाम झारखंड में है, ये मारंगबुरु है, और मारंगबुरु मतलब होता ही है, मरंग मतलब हाथी होता बड़ा, हम लोग का सबसे बड़ा देवता मरंगबुरु है। और इस जगह पर ये लोग इसलिए तीर्थ स्थल नहीं बनने दे रहा है ताकि दुनिया वाले लोगों के सामने इन लोग का पोल नहीं खुले। हम लोग देखे अभी नीचे से लेकर के यहाँ ऊपर तक एक भी आदिवासी का जमीन नहीं है, एक भी आदिवासी का घर नहीं है, तो यहाँ पर इन लोग पूरा पूरी आदिवासी को बेदखल करके रखा है। यहाँ पर इतना इतना पेड़ काट लिया है, इतना इतना पहाड़ काट दिया है, ये सब नदी नाला काट दिया, किसका परमिशन से काटा है लोग? डीसी बतावे कि इतना इतना जंगल, फॉरेस्ट विभाग बतावे कि इतना इतना जंगल किसका परमिशन से काटा जा रहा है। ये लोग लंगटा रह करके लोगों को दिखाता है कि हम कुछ नहीं, हम आंसरवादी हैं। वो तो प्राकृतिक रूप में है भाई, वो प्राकृतिक रूप में होता, हम क्या चीज है, हम ढेला पत्थर से बने हुए हैं। प्राकृतिक का यह मतलब नहीं, जिस समय लोग के पास तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं था, उस समय हमारा पूर्वज मतलब छाल पहन करके, पत्ता पहन करके अपना तन को ढकने काम किया है। ये ऐसा लोग कैसा है जो आज भी साला इन लोग तन नहीं ढक पा रहा है? ऐसा कौन धर्म है? ऐसा कोई धर्म बोलता है कि लंगर रहो तो भगवान मिलेगा? ये लोग का ढकोसला है, और ये सब मतलब लोगों को लूटने का जो है ना। बताइए बिरसा जी कि कल जो है कि यहाँ के वर्तमान विधायक और डीसी साहब ने ये बात कही है कि आदिवासी अपने स्तर से यहाँ पूजा पाठ कर सकते हैं, जैन भी अपना करेंगे, तो फिर इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है आप लोगों को? देखिए, राज्य सरकार जो है ना, इसको नीपापोती करने का काम कर रहा है, ये नहीं चलेगा। यहाँ के आदिवासियों ने समझ लिया, हेमंत सोरेन इसको नीपापोती करके लोगों को समझा के दबा करके यहाँ के ये आंदोलन को दबाना कुचलना चाह रहा है, लेकिन आदिवासी समझ गया कि हेमंत सोरेन बिक गया है, जैनियों के हाथ से बिक गया है। ये लोग इस आंदोलन को दबा करके, ताकि आदिवासी ऐसा अहिंसावादी है, ऐसा शांति पूर्वक व्यक्ति है कि एक बार दब गया तो इसको उठने में कई साल लग जाएगा, तो ये लोग हेमंत सोरेन चाह रहे हैं कि एक बार किसी तरह यह आंदोलन दब जाए, इसके बाद ही कभी उठेगा ही नहीं। कौन उठाएगा? जो जो लोग आवाज उठाने का प्रयास किया, जो जो लोग यह आंदोलन, जब नया नहीं है यह आंदोलन, 20 साल से
पहले से ही चल रहा है और 20 साल के बीच में हम लोग ने देखा जोन जोन लोग आंदोलन करने का प्रयास किया सबको उग्रवादी बनाकर का हत्या करवाने का प्रयास किया जेएनयू ने। जेएनयू के तरफ से ये साफ कहना है कि राजनीतिकरण ना करे, अगर हम राजनीतिकरण करना शुरू कर दे तो फिर क्या हाल होगा आप लोग समझ लीजिए। उसका बाप भी आवे और राजनीति करके दिखावे, और हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम लोग अधिकार का मांग कर रहे हैं। हमारा मारांग बुरु आदिवासियों का था है और रहेगा, ये अधिकार से तुम हमको बेदखल करने वाला साला लंगा लुचा आदमी कौन है तुम? अभी तक कपड़ा पहनने का साला तुमको मतलब अकल नहीं आया और तुम हमको यहाँ से राजनीतिकरण बोलेगा? राजनीति करेंगे तो एक भी यहाँ जैन दिखाई नहीं देगा, सबके सब हम लोग रात भर में खत्म कर देंगे। इसीलिए वो राजनीति नहीं करे, वो पैसा का अपना घमंड नहीं दिखावे। हम लोग के पास पैसा नहीं है लेकिन ताकत तो जरूर है और अधिकार को पहचानते हैं और अधिकारों को बचाने के लिए हम लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। हम लोग अब मानने वाला नहीं है, आज ये अच्छा देख रहे हैं। क्या मांग है राज्य सरकार और केंद्र सरकार? राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कोई मांग नहीं है, क्या मांगेंगे? ये मरंग गुरु हमारा है, उसे मांगने का जरूरत हमको नहीं है। मांगना है साला जैनियों को, जैन लोगों का मांगना है, राज्य सरकार से मांगे और केंद्र सरकार से मांगे। आदिवासी का ये परंपरागत पुराना वर्षों से जब से धरती बना है तब से ये मरंग गुरु आदिवासियों का है और ना हम लोग मांगेंगे। ये हमारा मांझी स्थान है यहाँ और मांझी स्थान को हम लोग और विकास करेंगे और इस मरंग गुरु को बचाएंगे हम लोग। पहाड़ आप लोगों का नहीं है, ये सबका होता है, ऐसे बोल रहे हैं। हमारा सभी का होता है। हमारा कानून में वन अधिकार अधिनियम 2006-2008 संशोधन अधिनियम 2012 को पढ़ ले, किसको अधिकार दिया गया है? जैनियों को दिया गया है कि आदिवासी मूलवासियों को दिया गया है? ये कानून पढ़ता क्या नहीं ये लोग? फॉरेस्ट एक्ट 1927 में हम लोग संशोधन अधिनियम 1989 में हम लोग का अधिकार दिया हुआ है, कानून कहा नहीं पढ़ता है ये लोग? कानून पढ़ के देखे इसके बाद बताएंगे आपको। संवैधानिक बात करना होगा, हम लुच्चा जैसा बात करते इसका मतलब ये नहीं कि हम जानकार आदमी नहीं। हम गुस्सा में बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि हमारा आदिवासियों को कल परसों चढ़ने के लिए मना किया, यहाँ से ढकेल कर भगा रहा था। हमारा बहु बेटी था, हम लोग का बहन था, वो लोग को भगा रहा था, यहाँ चढ़ने नहीं दे रहा था। तो क्या हम लोग का शरीर में पानी भरा हुआ है, खून नहीं है क्या? हम लोग दिखा देंगे कि अब हम लोग यहाँ से ऊपर चढ़ने नहीं देंगे जनियों को, देखते हैं साला कौन चढ़ता है। उसका शरीर में अगर खून है तो हम लोग भी एक एक करके फरिया लेंगे। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग इतना दूर से यहाँ पर अगर आए हैं इस मरंग गुरु के लिए, और मरंग गुरु के लिए नहीं, मरंग गुरु के चलते हम आज है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ तक नहीं आ सकते हैं। और जो अब खूब बोल रहा है कि यहाँ पर अधिकार आदिवासियों का नहीं है, सबका है, तो कौन सा किताब में लिखा हुआ है, कौन सा कानून में लिखा हुआ है? और मैं दिखाऊंगा, हम एक्ट भी बता दे रहे हैं और कानून भी बता दे रहे हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006-2008 और संशोधन अधिनियम 2012 को धारा 3 का ख झ और 5-3-1 उसको पढ़ ले। तो ये तो जो भी बना है तो 200-300 साल पहले बना है, ये तो प्राकृतिक हम लोग पुजारी है, ये आदिवासी हम लोग प्रकृति का ही पूजा कर रहे हैं। 200-300 साल पहले बने बना। समेत शिखर का बात कर रहे हैं, समेत शिखर साल समेत शिखर तो 200-300 साल पहले बना। दुनिया भर का आलोक जानता है कि आर्य आर्य आया है बाहर से, कानून में नहीं लिखा हुआ है। सुनिए, इतिहास हम लोग पढ़े हैं, आर्य आया है बाहर से और आदिवासी मूलवासी का जिक्र है। हम लोग यहाँ का मूल निवासी है, तो वो बाहर से आदमी आ करके उसका पार हो गया, उसका बाप दादा जन्म लिया था यहाँ कि हमारा बाप दादा जन्म लिया था कि इतिहास में लिखा हुआ है। 8वां क्लास का इतिहास में अगर 8वां पास किया होगा तो उसको पता होगा कि आर्य लोग बाहर से आया है, तो ये कैसे आर्य हो गया? यहाँ का मूल निवासी आदिवासी द्रविड़ और असुर यही सब है हम लोग। बताइए कि यहाँ के जो क्षेत्रीय सांसद है जिनको आप यहाँ के आदिवासी मूलवासी यहाँ के मिल्क सबको वोट के उन्होंने अपने सदन तक पहुँचाया है, जब आपके अधिकारों को जब वहाँ के सदन तक पहुँचाने की बात आती है, जब आपके अधिकारों का जब हक दिलाने का बात आती है तो आपके खिलाफ वो लिखते हैं, तो उनके लिए आप रोष कब तक दिखा? हम भी आपको बता रहे हैं, हम तो बोले कि मुख्यमंत्री हमारे यहाँ का स्थानीय विधायक और यहाँ का स्थानीय सांसद सब के सब
बिक चुके हैं। आज ही जैन मुनि लंगा बाबा का देख रहे थे हम इंटरव्यू, वो लोग बोल रहे थे, लंगा बाबा बोलता है कि हमारे पास इतना औकात है ना कि राज्य का जितना रेवेन्यू आता है उसका हम यहाँ तक ठूस देंगे पैसा। ये औकात लंगा मुनि का कैसे हो गया? हेमंत सोरेन भी आप लोगों का बात कहाँ माना? हेमंत सोरेन माने चाहे नहीं माने, आदिवासी हेमंत सोरेन को नहीं मानेंगे। हेमंत सोरेन भी आदिवासी है, आप लोग की परंपरा भी हेमंत सोरेन की परंपरा एक ही होगा, तो आप लोग की परंपरा का ख्याल कहाँ रखा गया? हेमंत सोरेन पंडित से पूजा कराता है भैया, और हम लोग मांझी और पौराणिक से पूजा कराते हैं, तो कहाँ से हिंदू और आदिवासी हुआ? हेमंत सोरेन आप देखे पिछला बार पंडित से पूजा कराया।